मुश्किल है जीना। सादिक बहुत अच्छा लड़का है सिद्रा, MBA भी किया हुआ है उसने। मतलब पानी सर तक आ चुका है। मुझे नहीं पता, पर तुम प्लीज अम्मी को समझाओ। अगर भाई ने सचमुच उसका पता निकाल लिया तो क्या होगा? रामीन मेरी बात सुनो, मतलब सामने आके दिखा, फिर तो ये बता दो कि रामीन का मतलब क्या होता है। तो उसकी सारी डिटेल निकाल के लाऊंगा। और अम्मा, इस घर में 2 कब्रें बनेंगी, एक उसकी और एक इसकी। पता नहीं यार ये दफ्तर कब खुलता है। अब भाई साहब ये ऑफिस कब खुलता है? और ये ऑफिस खुलता है भी या नहीं? सर ये 9 बजे खुलता है। तो 8:30 बज रहे हैं। ठीक है मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। अरे फरा तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था कॉलेज की छुट्टी है आज। वो अम्मा सुम्बुल की कॉल आई थी, कह रही थी बड़ा लाजमी लेक्चर है, क्लास अटेंड करनी जरूरी है तो जा रही हूँ। अच्छा बाबा चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अनम आएगी, उसके साथ बाजार जाना है, उसने घर का जरूरी सामान खरीदना है। वैसे अम्मा इस वक्त भी ना आप ही को बस अपने ही घर की फिक्र है, उनसे कहें कभी इस घर की फिक्र भी कर लिया करें। भूल गई आप साहब ने क्या कहा था, अभी 1-2 दिन में सुम्बुल के घर वाले आने वाले हैं। इसी घर के लिए बेडशीटें और पर्दे लेने जाएगी वो। अच्छा मैं तो सोच रही थी कि इस घर के दरों दीवार पे जो दाग धब्बे हैं ना उन पे पर्दे टांग दूं, लेकिन जो इज्जत पे दाग लगा है उसे किस पर्दे से छुपाऊंगी मैं? अरे सारे मोहल्ले को भिनक पड़ गई ना तो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अम्मा इस मामले को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, अभी तुम फिक्र ना करो, साथ का रिश्ता हो जाए फिर देखी जाएगी। पता नहीं क्या होगा। फराज गया तो है मोबाइल के ऑफिस, क्या मामलात होते हैं क्या नहीं होते मुझे कुछ नहीं पता भाई। अच्छा तुम तो जाओ कॉलेज। हाँ मैं जा रही हूँ। चलो फिर जल्दी आ जाना, पता नहीं इस घर का क्या बनेगा भाई। देखिए फराज, शहरियार सर के कहने पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट प्लीज मिसयूज नहीं कीजिएगा। जी बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। बेफिक्र रहिए, मैं इसका बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करूँगा। खुदा हाफिज़। तैमूर फोन क्यों उठा रहा, कहाँ मर गया है? बाजी पैसे? फोन तो लगा नहीं, किस बात के पैसे? मैं आपसे कहीं मिला हूँ? जी आप तैमूर के दोस्त सिकंदर है ना, आपने रेस्टोरेंट से ड्रॉप किया था हमें। आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, आपको मेरा नाम भी याद है। वो तैमूर ने ही बताया था। अच्छा आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चले मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो नहीं अच्छा दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, वो आप कर देंगे मेरा? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ खड़े खड़े बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आप चले गाड़ी में बैठे, वहाँ बात करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चले। वो आप तैमूर से कह दीजिएगा कि रामीन उसे कॉलेज के बाहर मिलेगी, और उसे कहिएगा कि मेरा फोन बंद है तो हो सके अपनी सिम भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दे। तो आपका नाम रामीन है? जी नहीं, वो एक्चुअली फरजन, मुझे तैमूर जो है वो रामीन बुलाता है। बस आप मैसेज पहुंचा दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, आप समझे आपका काम हो गया। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप बताएं आपका घर कहाँ है? नहीं मुझे घर नहीं जाना, एक्चुअली मुझे किसी काम से मार्केट जाना था, तो आप यहीं उतार दीजिए। ये कैसी बात कर रही है आप? मैं आपको मार्केट छोड़ देता हूँ। अब गाड़ी होते हुए आप पैदल जाएंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। या मुझ पर एतबार नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा वॉलेट घर पे रह गया था, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ पहले घर चली जाऊँ फिर मार्केट। एक दो काम थे बस, आप मुझे आगे उतार दीजिए। आप तैमूर की दोस्त हैं, तो मुझे भी अपना दोस्त ही समझे। ये मेरा कार्ड है, ये आप रखें, कभी भी जरूरत हो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। बस आप मुझे आगे से लेफ्ट को उतार दीजिए। अंकल, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, मुझे जरूरी काम है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो सब कहाँ मिलेगा? अरे भाई, वक्त पे तो आज तक मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्यों, सुलेमानी टोपी है उसके पास। आज वो शहर से बाहर है, एक दो दिन में आ जाएगा, फिर मिल लेना। अभी धंधे का टाइम है, वक्त ना जाया करो यार। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, इसके ऊपर अपने बेटे को दे दीजिएगा, कहिएगा कि मुझसे मिल ले। भाई उधार है उसका, मुझ पर अदा करना है, सर पे चढ़ा हुआ है। अरे तो भाई बाप हूँ मैं उसका, मुझे दे दो। नहीं दूंगा तो मैं उसे ही, और किसी को भी नहीं दूंगा। बस मेरा पैगाम उसको दे दीजिएगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अम्मा कहाँ हो भाई? जल्दी आ जाओ अम्मा। हाय हाय, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्या हुआ? और ये कहाँ से आ रही हो तुम? छत से अम्मा। अब जाहिर ही बातें, बाहर से आई हूँ, कैसे सवाल पूछती हो? अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम बाहर से आ रही हो। घर के बाहर के सेल लगी हुई है, ये इतना सारा सामान कहाँ से उठा ली? तुम तो कॉलेज गई थी। पापा अम्मा सवाल पे सवाल पूछती रहती हो। ये ना कि बेटी थक के आई है तो भाभी से कह के एक शरबत का गिलास बनवा दें। पहले मुझे ये बताओ जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अम्मा कोई कॉलेज में क्लास नहीं हुई है, ये सब सामान लिया है, सुम्बुल के साथ जाके बाजार जाई थी, मुझे भी ले गई। अब मुझे याद आया कि तुमने मुझे कहा था कि पर्दे और बेडशीटें नहीं है, पुरानी हो गई है, तो मैं ले आई। उधार लिया है सुम्बुल से, तुम देना, मैं उसको वापस कर दूंगी। अभी रिश्ता हुआ नहीं और तुमने उधार पहले ही ले लिया। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? और पैसे मैंने अनम को दे दिए थे, अब वो देगी तो मैं दूंगी। लो भाई अम्मा, अनम आप के घर में जो जाता है ना, कयामत के दिन तक वापस नहीं आता वो। और 15,000 देने सुम्बुल को, अब तुम मुझे दो तो फिर मैं वापस करूँ। ऐसा करो, उनको फोन कर लो अभी, इससे पहले कि मुदस्सिर भाई हथियार ले, तुम मांग लो वापस। लो और सुन, अच्छा इस घर के हालात बताओ, ये ठीक हुए या ये भी गरम के गरम ही है? इस घर के हालात कभी भी सही नहीं होंगे। मेरे बच्चे खुद भी उलझे हुए और मुझे भी उलझा दिया। अम्मा तुम बस हमेशा शिकायतें करते रहना, मैं खुद ही जाके पानी पी लेती हूँ। सुबह देखो जरा, चीजें तो अच्छी लाई है। रामीन, फर्जी नाम, वाह 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 वाह, क्या बात है तैमूर, तुम भी लड़कियों के फर्जी नाम रखने लगे। वैसे ये फर्जी नाम सच बहुत रहा है उस हसीना पर। वाह खाला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना अरसा हम एक ही जगह रहे, और आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना। बेटियों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? भाई मैंने क्या गलत कर दिया? और घर बेचने की बात तो तुम्हारे सामने हो रही थी, उस वक्त तो तुम कुछ नहीं बोली। खामोश रहने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान राजी है, ये भी तो मुमकिन है कि दुख की कैफियत में कुछ ना बोल पाई मैं। देखो रामीन बेटा, हमने सीधी सादी जिंदगी गुजारी है, खामोशी और सब्र से। अब मुझे क्या पता कि तुम्हें घर बेचने की बात बुरी लगी है। और दूसरी बात, हमने तुम्हारे मियाँ से पूछा था कि रामीन को साथ क्यों नहीं लेकर आए, मगर उसने साफ कह दिया कि उसकी इजाजत से आया हूँ। नहीं यकीन तो पूछ लो उससे। इजाजत? मैं उस घर की वारिस हूँ, और अगर मेरे मियाँ ने आपसे आकर कुछ भी कहा और आपने उनकी बात मानकर उनको एडवांस थमा दिया, आपको चाहिए था आप मुझसे राब्ता करती। उस घर के वारिस के होते हुए ये सब आप लोगों ने चोरी छुपे किया। चोरी छुपे वाली बात मत करो, समझी? पक्के कागजों पे साइन किए थे तुम्हारे मियाँ ने पैसे लेते वक्त, और झगड़े वाली बात नहीं है। जाकर ना अदालत में बयान दो और बाकी पैसे लेकर जाओ, हमें फौरन कब्जा चाहिए। तो फिर जिसने पक्के कागज पर दस्तखत किए ना, उसी से आप बयान भी ले लें। अरे लड़की ने फोन बंद कर दिया, पैसे दिए, बयाना दिया हमने, कहाँ फंस गए हम लोग। खाला की कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला कैसे याद किया, सब खैरियत तो है ना? इसलिए फोन किया है कि क्या तुमने घर बेचने के लिए रामीन से इजाजत नहीं ली थी और चोरी घर बेच दिया और फिर रो पीट कर बयाना भी ले गए? खाला कैसी बातें कर रही हो, रामीन की रजामंदी से सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो मुझे धमकी क्यों दे रही है कि जिसको बयाना दिया उसी से साइन करवाए? क्या मतलब खाला, आपकी रामीन से क्या बात हुई है और कहाँ मिली वो आपको? उसका फोन आया था ये बताने के लिए कि जिसने बयाना लिया है ना वही साइन करेगा। और मेरी बात सुन लो कान खोलकर कि बयाना ऐसे वापस नहीं होता बल्कि डबल पैसे वापस होते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शाम तक जाकर ना मुझे ताला तोड़ के उस पर कब्जा करना पड़ेगा। खाला मैं मर्द हूँ और मर्द की एक जुबान होती है, जो जुबान मैंने कर दी सो कर दी। रामीन के तो अच्छे भी साइन करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। मेरी बात सुनो, बीवी पे जोर जबरदस्ती मत करना और अगर ना माने ना तो मेरे पास ले आना, मैं ही उससे बात करूंगी। और एक बात बता दूं, अब बाकी पैसे तो मैं उसी को दूंगी, ये मेरा अटल फैसला है जी। तुम यहाँ बैठी हो, खैरियत? हाँ हाँ कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि जब सुंबुल के घर वाले आएंगे तो हमें उनकी बहुत अच्छे से खातिर करनी है। ओहो, तो अब आप खर्चा करेंगी? हाँ मजबूरी है। वैसे करना क्या चाहिए? मुझे सोचने दो। ऐसा करेंगे कि हम पूरे टेबल को खाने से सजा देंगे, समोसे, रोल, पेटीज, केक। रामीन! फराज भाई की आवाज है ना, मुझे लग रहा है इसे रामीन की शामत लग रही है। चलो चल के देखते। रामीन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ? सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, जो मैं जवाबन चिल्लाना शुरू हो जाती। एक थप्पड़ मारूंगा ना तो इंसान की बच्ची बन जाओगी। रुक क्यों गए, मारो ना। और आता ही क्या है, मारना, पीटना, इल्जाम लगाना, बहतान लगाना, बस। तौबा तौबा, कैसे कैंची की तरह कतर कतर जुबान चल रही है। ऐसा क्या कह दिया इसे जो यूं दिल मिला रही है? ये अम्मा कुछ कहा कहाँ है मैंने से, पहली शुरू हो गई। मतलब इधर देखो, तुमने अपने पड़ोसन से क्या कहा है कि तुम साइन नहीं करोगी? हाँ नहीं करूंगी साइन, मेरे अब्बू का घर है और मेरी इजाजत के बगैर उसे बेचकर आप सब अय्याशी करना चाहते हैं और मैं सिर्फ इल्जाम और बहतान सहती रहूं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, पक्का ठिकाना ढूंढ लिया मैंने उसका। तुम देखना 2-4 दिन में मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा उसे। मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया। तुम क्या कर रहे थे? वैसे तुम्हारे ऑफिस के टाइमिंग्स बहुत ज्यादा है, सच में थक जाते होगे। संभल संभल, अच्छा साथ में तुम्हें ठहर के फोन करती हूँ, शायद अम्मी को कोई काम है। टेक केयर। जी अम्मी। किससे बात कर रही थी, सिद्रा से? नहीं अम्मी, फ्रेंड्स भी। कहीं तुम्हारी इस फ्रेंड का नाम साथ तो नहीं है? जी अम्मी, आपको क्या प्रॉब्लम है साथ से? क्या आप उसको इस काबिल नहीं समझती कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकता है? देखो साथ का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानती। जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेती मैं कैसे इस बात का फैसला कर सकती हूँ। इनफैक्ट मेरी हुमायूं से भी अभी यही बात हो रही थी। हमी भाई क्या कह रहे थे? वो भी यही कह रहा था कि पहले हम मिलेंगे फिर ही हम कोई फैसला करेंगे। बल्कि मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि तुम सिद्रा को फ़ोन करो और उसको बताओ कि हम लोग कल साथ की तरफ जा रहे हैं। सच में अम्मी, मैं सिद्रा को अभी फ़ोन करती हूँ। और क्या मैं साथ को बताऊँ? क्या पता वो घर पे हो या ना हो, सखर में होता है ना वो। बता दो, मगर ये भी जहन में रखना कि जो भी फैसला होगा वहाँ से आकर ही होगा। हेलो सिद्रा, मेरी अभी अम्मी से बात हुई है। तुम लोग कल जा रहे हो ना? जानती हो ना सुंबुल का ड्राइंग रूम कैसा है? सब जानती हूँ सुंबुल का ड्राइंग रूम कैसा है, और ये भी जानती हूँ उसका भाई बाहर रहता है, खूब कमाई करता है, यहाँ पे पूरी फैमिली के ऐश कराता है। तुम्हारी तरह हडराम निकट्टू नहीं है। तो भाई मैं भी करवा दूंगा ऐश, बस मेरी एक बार शादी सुंबुल से हो जाने दो, फिर तुम देखना। सुंबुल के भाई को कहकर मैं भी ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। बल्कि मैं क्यों कहूँगा, वो खुद ही चाहेगी। जब दो बहन भाई ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो वो क्या यहाँ गर्मी में सड़ेगी? वाह भाई, बड़े ऊंचे इरादे तुम्हारे, लेकिन भाई अमीरों के भूल ना जाना हमें फितरत के मुताबिक। अब अच्छा फोन दो ना, मुझे कॉल करनी है। किससे बात करनी है? किससे बात करती हूँ, सुंबुल से ही करूंगी ना। लो, सुंबुल को याद किया और उसका फोन आ गया। मैं सिकंदर से कैसे पूछूं कि तैमूर से बात हुई कि नहीं, पता नहीं अब होगा क्या। घर बैठे खाने को मिल रहा है ना, इसलिए उधार देकर भूल गए हो तुम। जाओ जाकर मिलो उससे और लो वापस अपने पैसे। 2 बार आया है तुम्हारा पूछने, समझे? मैं और उधार दूंगा, मैं खुद ना जाने कितनों का मकरूज हूं। फराज हुसैन कौन है यार ये शख्स? मैं तो किसी ऐसे शख्स को जानता तक नहीं। चलो कल देखता हूं, लेता हूं फिर जाके पैसे। कैसा है तू? ठीक हो? चल तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है यहीं कर लो। यार हाईवे चलते हैं, वहां तुझे मैं बड़ी बेहतरीन कढ़ाई खिलाता हूँ, वहीं बैठकर बात करते हैं। चल आजा। अम्मा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कल सुंबुल के घर वाले आ रहे हैं, आप ना जरा अच्छा इंप्रेशन डालना उन पर, बिला वजह ऊंचा शुरू ना हो जाना। मेरे मुंह में क्या स्पीकर फिट है या मैं किसी को काट खाती हूँ? देख रहे हो तुम, ऊंचा ऊंचा ना बोलना। अरे बाप, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जितना कम बोलता है वो उतना पढ़ा लिखा लगता है। आप एक काम कीजिएगा, अनम और फरा को आगे आगे रखिएगा, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो ठीक है, तुम उन्हें कह देना हमारी माँ गूंगी है, गूंगी सासों को तो वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है। अरे क्या मैं पागल हूँ? मैंने दुनिया नहीं देखी, मुझे पटिया ना पढ़ाओ। तुम सिर्फ अपना काम करो। अम्मा कौन सा काम रह गया है? घर के सारे काम तो मैंने कर लिए। मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ, आजकल बहुत परपुर्जे निकाल रही है वो, उसका बंदोबस्त कर लेना। मैं नहीं चाहती वो मेहमानों के सामने आए। तो उसके साथ सीरियस है, टाइम पास कर रहा है? पसंद करता हूँ यार उसे, रिश्ता भिजवाने वाला। मुझे तो वो लड़की फेक लगती है। तुम्हारे साइन चाहिए, उसे पैसे लेने हैं, उनको घर की चाबी देनी है। और अगर मैं ना जाऊँ तो? मैं तुम्हें शराफत से बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो। मैंने रत्ती बराबर भी कभी अपनी बेटी में और बहू में फर्क ही नहीं रखा। वैसे है कहाँ आपकी बहू? रामीन कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मी की? उनकी तबीयत में बेहतरी आई है?